बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी खवातीन का क्या कहने जी, मैं एक वीडियो क्लिप देखने के बाद यही बोल सकता था, आपके साथ भी यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। और सऊदी मीडिया के ऊपर इसका काफ़ी चर्चा हो रहा है। कुछ शौक़ होते हैं जी, हर बंदे के अपने होते हैं। अच्छा, वैसे मैं यहाँ पर आपको एक आध उसकी पिक्चर दिखा रहा हूँ, वीडियो क्लिप भी दिखाता हूँ। मैं जिस इलाके में भी रह कर आ चुका हूँ, यानी कि मुंतका जज़ान, जज़ान से आगे सभी एंड टॉप ऑफ द फीफा की तरफ, तो आप यकीन करें शायद मैं एक आध वीडियो या पिक्चर मेरे पास अगर मोबाइल में सेफ हुई तो यहाँ पर आपको दिखा भी रहा हूँ। साथ में आप यकीन करें, उस इलाके में इतने सांप मैंने देखे हैं ना, आपके साथ वीडियो भी कुछ शेयर की मैंने वहाँ से लाइव, इस चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। तो बहरहाल हम तो मार देते थे भाई, हम तो निचोड़ते थे उनको। ये सऊदी खातून जो हैं, यहाँ पर इनकी वीडियो मैं आपको साथ में दिखा रहा हूँ, इनका वीडियो क्लिप देख लें जी। इनका शौक है जी, और ये इसके मतलब क्या कहती क्या है। एक तो ये नयाब नस्ल का सांप है जो इन्होंने पकड़ा हुआ है। ऊपर से ये इसके मतलब ये कह रही हैं कि ये लाखों रियाल की एक कीमती नस्ल है सांपों की, जो मैंने पाली हुई है। और इसके अलावा भी मेरे पास और भी हैं, आप देख लें। उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, बकायदा हवा में उसको लेकर जाती है, और उसकी बकायदा किसे भी हो रही है। तो बहरहाल जी, ये इसका शौक है। उसने बोला ये मेरा शौक है, लेकिन ख़तरनाक शौक है। अगर आपको इसके मतलब कोई इलम नहीं है, यानी कि सांपों के मतलब, तो ये शौक मत पालें, वरना ये आपको यानी कि काट भी सकते हैं। तो बहरहाल मेरा शौक है, और मुझे इनके मतलब इलम है। जो जहर वगैरह है या इनके दांत वगैरह जो भी है, वो मैं निकलवा लेती हूँ, और जहर भी इनका निकलवा लेती हूँ। उसके बाद ही इनको पालतू रखा हुआ है मैंने अपने पास। तो इनकी ये वीडियो, इनका ये शौक देखकर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी कमेंट भी मैं देख रहा था, लोग इनको सराह भी रहे थे, और कुछ बाई तनकीद भी कर रहे थे कि ये ख़वातीन के मतलब तो शौक अच्छा नहीं है। बहरहाल आपकी क्या राय है मुझे आप बताइएगा।